नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक पुराने बैगन के प्लांट पे आप कैसे नए से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हो एक पुराने प्लांट से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ये सभी प्लांट पुराने प्लांट है, तो मैं इस सब प्लांट्स को लगाया था सितंबर के महीने में और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप एक प्लांट्स पे बहुत जल्दी फूल और फल पा सकते हो और इसके लिए आपको कैसी फर्टिलाइज़र और कौन सा खाद और कैसे देखभाल करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक पुराने प्लांट से आप कैसे फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू कर सकते हो इसके ऊपर। तो दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं नए नए प्लांट्स के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देखिए मेरे पास अभी तीन पुराने बैगन प्लांट है, मेरे पास चार थे, एक पॉट की मुझे ज़रूरत था इसलिए मैं उस बैगन प्लांट को नहीं रखा हूँ, उसको फेंक दिया हूँ। अभी मेरे पास तीन ही प्लांट है, तो तीन प्लांट को आप देख सकते हो मैं प्लांट्स को पहले कर दिया हूँ प्रूनिंग। दोस्तों पुराने प्लांट से फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग पाने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा प्रूनिंग। देखिए मैं एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, ये देखिए सभी प्लांट्स को मैं प्रून कर दिया था, ये देखिए यहाँ पर भी मैं प्रून कर दिया था, देख सकते हो इसको तो मैं एकदम हार्ड प्रून कर दिया, एकदम नीचे से काट दिया हूँ और देखिए नए नए से देखिए स्टेम निकलना शुरू हो गया है सभी प्लांट्स पे, आप देख सकते हो देखिए नए नए से स्टेम निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों पहले आपको करना पड़ेगा प्रूनिंग और प्रून करने का ये सही वक्त होता है, इस समय आप प्रून कर सकते हो प्लांट्स पे। और देखिए मेरे प्लांट्स पे भी फ्लावरिंग भी आना चालू हो गया है, देखिए ये देखिए बहुत सारे अब इस प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो गया है, इसमें भी बर्ड्स आना शुरू हो गया है, ये देखिए देख सकते हो आप इस पर बहुत सुंदर से देखिए लीव्स निकल रहा है एकदम ग्रीन, एकदम इसमें भी निकल रहे हैं। दोस्तों इस सभी प्लांट्स को मैं पहले बता देता हूँ, मैं देखिए प्लास्टिक के पॉट पे लगा के रखा हूँ, एक प्लास्टिक के पॉट, ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, इसका डेप्थ 6 इंच ही है, ऊपर का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 12 इंच होगा। बैगन प्लांट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत पड़ता है, तो इससे अगर और भी बड़ा पॉट होगा तो उस पर आपके जो प्लांट्स हैं उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा और बहुत सारे बैगन भी आएंगे। अब देख सकते हो मेरे प्लांट पे ऑलरेडी अभी भी एक बैगन लगा हुआ है और मैं सभी प्लांट्स पे देखिए इसमें धनिया भी उगाया हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर से देखिए धनिया हुआ है, देखिए इस पर तो मैं हम लोग इसको यूज़ कर लिए है और इसमें भी देखिए बहुत सारे धनिया लगा हुआ है, ये कितना सुंदर सा। तो दोस्तों जो मेन टॉपिक है मैं पहले बता चुका हूँ आपको प्रून करना है, इस वक्त प्रून करने के बाद प्लांट्स को करना है थोड़ी सी गुड़ाई। दोस्तों एक्चुअली मेरे प्लांट्स पे भी धनिया उग गया है इसलिए मैं अभी इसको प्रूनिंग करने के बाद अभी गुड़ाई नहीं कर पाया, लेकिन इसमें मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर चुका हूँ। दोस्तों फर्टिलाइज़र के लिए मैं मास्टर के का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ किया हूँ क्योंकि मैं इस पर गुड़ाई नहीं कर पाया था, अगर इसमें आप थोड़ा सा भर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग भी दे सकते थे तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैं इस पर काउडंग और भर्मी कंपोस्ट जैसे चीज़ यूज़ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे प्लांट्स पे अभी देखिए पॉट पे अभी बहुत सारे धनिया उग गए हैं, तो ये धनिया को जब मैं यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं इसमें एक दफ़ा भर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसमें मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया हूँ। तो दोस्तों मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हो, ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है प्लांट्स का और प्लांट्स पे फ्लावरिंग भी आते हैं बहुत जल्दी। और दोस्तों इसके बाद आपको करना पड़ेगा प्लांट्स को थोड़ी सी हाफ शेडी एरिया में, जैसे प्लांट आप देख सकते हो मेरे प्लांट्स जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसके मैं करीब ला दिया हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा छाव मिले, और अभी तो ठंड के मौसम उतना नहीं है, अभी गर्मी चालू हो गए है तो दिन के वक्त धूप बहुत तेज़ रहता है, इसलिए मैं इसको हाफ शेड एरिया में रख चुका हूँ। तो ये आपको करना है, इस समय प्लांट्स को आपको हाफ शेड एरिया में रखना है जहाँ पे धूप 2 या 3 घंटे ही मिले, आप ऊपर एक शेड बना के ऊपर इसके नीचे भी आप रख सकते हो प्लांट्स को। तो दोस्तों इसके बाद आपको करना पड़ेगा प्लांट्स को हर दिन अभी पानी देना पड़ेगा,
आपके प्लांट पॉट के जो ऊपरी सतह हो अगर सूख गए हैं तो इसमें हर दिन आपको वाटरिंग करना पड़ेगा। वाटरिंग करने के लिए आप एकदम सुबह का वक्त यूज़ कीजिए, शाम के वक्त मत यूज़ कीजिए, क्योंकि शाम अभी धूप बहुत तेज है, शाम के वक्त मिट्टी बहुत गर्म हो जाता है, तो उस वक्त अगर आप पानी दोगे तो आपके रूट्स में नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लांट्स पे अभी समर सीजन में प्लांट्स पे अभी एकदम सुबह के वक्त वाटरिंग किया कीजिए। तो दोस्तों ये तो कुछ जानकारी था आप लोगों के लिए जो मैं शेयर किया। तो और आपके प्लांट्स पे अगर इन्फेक्शन है, देखिए मेरे प्लांट्स पे एक थोड़ा सा भी इन्फेक्शन नहीं है, मेरे प्लांट्स एकदम बहुत ही सुंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके प्लांट्स पे इन्फेक्शन है तो आप प्लांट्स पे एडमायर या फिर आप रोगर यूज़ कर सकते हो, तो प्लांट्स का जो इन्फेक्शन है वो चला जाएगा। तो इसके लिए आप सुबह का वक्त चुनिए या फिर शाम का वक्त चुनिए, एकदम शाम का वक्त जब सूरज ढल जाता है उसके बाद, तो इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है इंसेक्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये तो था कुछ टिप्स बैगन प्लांट के ऊपर, एक पुराने प्लांट पे आप कैसे नए से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हो इसके ऊपर। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।